Hi guys, this is Rachit from Rachit Fish Keeper. Today our topic is German Shepherd, the difference between purebred and the mixed breed. So let's get started. इसको पहली बार जर्मनी में ब्रीड किया गया था कैप्टन मैक्स बोर ने 1899 में. इसका पर्पस था फॉर हर्डिंग. ओरिजिनली अल्साटियन बोलते थे. ये इनका अल्सास शहर के ऊपर नाम था और ये जर्मनी और फ्रांस के बॉर्डर पे शहर था. 1925 में इसे रीनेम कर दिया गया था और इन्हें जर्मन शेफर्ड बोलने लगे. जर्मन प्योर मेल का वेट 30 से 40 केजी होता है और फीमेल का ये देखिए 22 से 33 केजी. आपको गैप भी पता चल गया. ये और ये मेल है डोडो और इसकी हाइट होती है 60 से 65 सेंटीमीटर मेल की और फीमेल की है 55 से 60 सेंटीमीटर और इनका एज ग्रुप है 9 से 13 ईयर. अब मैं आपको बताता हूँ कि आप प्योर जर्मन शेफर्ड कैसे पता कर सकते हैं. एक तो अपने प्योर में ये स्लोप ज्यादा अच्छा होता है. आप देख सकते हैं पीछे से ये चलते हैं और आगे चलते हैं और ये प्योर नहीं अपने ये मिक्स ब्रीड है. इन दोनों में आप डिफरेंस देख सकते हैं. इसका स्लोप कम है ऊंचा ही और इनके ईयर्स में इनके ईयर्स के ऊपर गैप कम होता है. जो प्योर होते हैं इनमें ज्यादा गैप होता है और इनके आप ये देखो पंजे देख सकते हो बहुत मोटे होते हैं और इनकी टैन बॉडी होती है. मतलब इनके कलर का देख सकते हो आप डिफरेंस. ये देखो इसके लाइट ब्लैक है और ये ब्राउन भी लाइट है. इसके डार्क ब्राउन है और कलर ब्लैक भी ज़्यादा डार्क है और इनकी पूंछ जो ये टेल होती है ये जैसे जैकी कर्व है जैकेट ऑफ ये देखो इसमें राउंड सर्कल है. तो जो प्योर ब्रीड होती है उसमें सर्कल जिसकी जैसे इसकी जो पूंछ है ये बिल्कुल सीधी है. ये फीमेल जर्मन शेफर्ड है. इसका साइज भी छोटा होता है मेल से और इसकी वेट भी कम होते हैं. आप देख सकते हैं इसके कर्व. इसकी भी जो टेल है ये बिल्कुल स्ट्रेट है. इसमें बिल्कुल भी राउंड नहीं है. और आप ये देखिए ये जर्मन शेफर्ड मिक्स. इसमें देखिए आप टैन बॉडी कम है. इसका पेट थोड़ा फेडिड है और इसकी जो जो टेल है उसमें राउंड है कर्व है. इसे आप प्योर ब्रीड नहीं कह सकते. इसके कारण गैप है. जो ये जर्मन शेफर्ड ब्रीड है ये यूटिलिटी डॉग्स है. यहाँ पर सिक्योरिटी पर्पज के लिए भी यूज कर सकते हैं. इनके एक साल में दो बार बाल उतरते हैं. थोड़े से केयर करने के लिए वैसे इतना ज़्यादा भी केयर नहीं है. ठीक है बस बाल झड़ते हैं दिक्कत आती है.